क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो कभी काले नहीं होंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बाल टूटने लग गए हैं वो कभी भी नहीं रुक सकते? तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आया हूँ जिससे दोस्तों आपको इन दोनों चीज़ों से छुटकारा मिले ही मिलेगा, साथ में दोस्तों आपके बालों की ग्रोथ है वो दोस्तों 10 गुनी बढ़ जाएगी, पहली ही बार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसे दोस्तों बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप घर में झटपट से इसे बना के तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने ले लिया है कड़ी लीव्स, और उसी के साथ दोस्तों आपको इसमें ऐड करना होगा चावल, जो दोस्तों अक्सर हम खीर बनाने में, पुलाव बनाने में, बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी चावलों का दोस्तों आपने इस्तेमाल करना है। क्या आपने कभी सुना है कि चावलों का इस्तेमाल हम अपने बालों पे भी कर सकते हैं? नहीं सुना है तो दोस्तों आज हम चावलों का इस्तेमाल अपने बालों में करेंगे, और दोस्तों इसके जो रिजल्ट है वो आपकी आंखों के सामने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको इसमें ऐड करना होगा मेथी दाना। अब मेथी दाना के फ़ायदे तो आप सभी को पता ही होंगे कि मेथी दाना हमारे बालों को काला रखने के साथ साथ उन्हें जड़ों से मजबूत भी करता है। तो चलिए दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए दोस्तों स्टार्टिंग में हमने लिए थे कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। जो तीनों टहनी थी हमने इनके पत्ते अलग कर लिए हैं टहनी से, और वो इसके अंदर ऐड करती हैं। अब दोस्तों आपको इसमें ऐड करना होगा मेथी दाना 1 चम्मच, और दोस्तों आपको इसमें ऐड करना होगा 2 चम्मच चावल। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और अब दोस्तों आपको इसमें 1 गिलास फिल्टर का पानी ऐड करना होगा। आप चाहें तो दोस्तों बारिश का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर बारिश का पानी आपके पास नहीं है तो आप पानी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहें, एकदम बिल्कुल पार्लर पानी आपको लेना है, यानी फ़िल्टर का पानी आपको लेना है। अगर बारिश का पानी आपको मिल जाता है तो और भी बढ़िया बात है। अब दोस्तों आपको इसको मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से आपको घुमाते रहना है, पका लेना है। आपको इसमें चम्मच घुमाना आप चाहें तो आप चाह सकते हैं दोस्तों, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आप इसमें चम्मच ज़रूर घुमाएं, ताकि जो हमारे कड़ी लिप्स के हैं यानी जो मीठा नीम जिसे भी हम बोलते हैं वो दोस्तों क्या होता है कि ऊपर आ जाता है। तो आपको इसके अंदर चम्मच बार बार घुमाते रहना है, और दोस्तों इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको अच्छे से उबाल लेना है। तब तक दोस्तों हमारा जो ये मेथी दाना है और चावल है वो अच्छे से ना फूल जाए, तब तक आप इसे अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको गैस की जो फ्लेम होती है उसको बंद करना होगा, लेकिन दोस्तों अब मुझे इसको गैस बंद करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, कड़ी लिप्स के जो पत्ते हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, और मेथी दाना भी हमारा फूल चुका है, और चावल है वो भी हमारे फूल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, और अब दोस्तों आपको इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है, और इसको दोस्तों ठंडा करके एक अलग बाउल में निकाल लेना है। एक दोस्तों आवश्यक जानकारी जो आपको मैं बता दूं, इसका इस्तेमाल दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को रात भर भिगोकर भी रख सकते हैं। भिगोने से दोस्तों इन सभी के जो पोषक तत्व हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, और फिर दोस्तों सुबह पानी छान कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आप जैसे जैसे आगे की प्रतिक्रिया है, यानी इसमें आपको फिर डालना होगा नारियल का तेल। नारियल का तेल दोस्तों हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करने के साथ साथ हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है उसको भी बहुत तेज़ी से बढ़ावा देता है, और साथ में दोस्तों हमारे बालों की जो शाइनिंग होती है उसको भी दोस्तों हमें वापस लौटाता है। पॉल्यूशन भरी दुनिया में दोस्तों हमें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो नारियल का तेल दोस्तों बहुत ही एक अच्छा स्रोत है। यह एकदम बिल्कुल नेचुरल होता है, और यह हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और यही दोस्तों हमें इसमें ऐड करना होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल दोस्तों हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह हमारी स्किन को होता है वो स्वस्थ रखता है, यह हमारे बालों को शाइनिंग देता है, हमारे बालों को जड़ों से मजबूत रखने के साथ साथ उनकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सुधार करता है। तो आप दोस्तों 1.5 से 2 चम्मच के आसपास आप इसमें ऐड कर दीजिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर दोस्तों आप इसे अपने बालों पे लगा लीजिए नहाने से 2 से 3 घंटे पहले, और 10 से 15 मिनट तक दोस्तों आप इसकी मसाज कीजिए। मेरी वाइफ दोस्तों खुद इसका इस्तेमाल करती हैं, आप चाहें तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।